हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, रमजान का पाक महीना चल रहा है और हम रमजान के ऊपर और इफ्तार के ऊपर वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लोगों के लिए। डेफिनेटली आज की जो वीडियो है ये है दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार, लार्जेस्ट इफ्तार इन द वर्ल्ड, फैक्ट अबाउट रमजान मोहम्मद फैजन जी की ये वीडियो है। और आप लोग इसके अंदर देखोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार कहाँ पे होता है और कौन करवाता है और क्या क्या पैसे। देखिए इस वीडियो के हमने एक पर्टिकुलर वीडियो है ये इसी चीज़ के ऊपर कि कहाँ कहाँ दुनिया के सबसे बड़े इफ्तार होते हैं, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में हमने ये देख लिया था, एक छोटी सी क्लिप थी, मुझे वहीं से इंटरेस्ट जागा था कि इफ्तार इतनी प्यारी चीज़ है। मतलब आप किसी को खाना खिला रहे हो, इफ्तार करवा रहे हो, तो ये डेफिनेटली बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये मैं देखना चाहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 4 मिनट की छोटी सी वीडियो है, इसी में हम लोगों को सब चीज पता चल जाएगी। तो आप लोग कंप्लीट देखिए, फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रमजान के आते ही पूरी दुनिया में इफ्तार पार्टियों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी कहाँ आयोजित की गई थी और इसमें कितने लोग शामिल हुए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी हर साल सऊदी अरब में आयोजित की जाती है। इस इफ्तार पार्टी में एक साथ 5 लाख लोग शामिल होते हैं और इस पर हर दिन 10 लाख सऊदी रियाल खर्च होते हैं, जिसकी भारतीय कीमत कई करोड़ रुपए है। सऊदी अरब के मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में आयोजित होने वाली इस इफ्तार पार्टी में हर दिन 1,30,000 लीटर जमजम का पानी इस्तेमाल होता है। इस इफ्तार पार्टी में 10 मिनट के अंदर 50,000 लीटर अरबी कॉफी, 3 लाख ब्रेड रोल और 50,000 लीटर दही और दूध खर्च हो जाता है। इसके अलावा इस इफ्तार पार्टी में कुछ ही मिनटों में 50,000 लीटर फलों के जूस और 40 टन खजूर खत्म हो जाते हैं और सऊदी अरब इन सब के लिए किसी भी इंसान से 1 रुपया नहीं वसूल करता। सऊदी अरब में ये इफ्तार पार्टी पूरे 30 दिन चलती है और इसमें हर दिन लाखों लोग रोजा इफ्तारी करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के शामिल होने के बावजूद भी यहाँ पर जरा भी गंदगी देखने को नहीं मिलती। इफ्तार के खत्म होने के 15 मिनट के भीतर ही न सिर्फ फर्श धुल दिया जाता है बल्कि लोग उसी जगह पर नमाज भी अदा करते हैं। ऐसी ही भव्य इफ्तारी का इंतजाम सऊदी अरब मदीना में भी करता है। यहाँ पर मस्जिद नबवी में हर दिन लाखों लोग रोजा इफ्तार करते हैं। अरब देशों की मेहमान नवाजी और उनकी नफासत से आज हर कोई हैरान है। इस इफ्तार पार्टी में कई किलोमीटर लंबा दस्तरखान लगता है जिस पर लाखों लोग इफ्तार करते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि मस्जिद हरम में बिछाए जाने वाले इस दस्तरखान की लंबाई 12 किलोमीटर है। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन कितना भव्य है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल सऊदी अरब इसके लिए अलग से एक टीम गठित करती है और इसमें काम करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग देशों से हजारों लोग बुलाए जाते हैं। दुनिया के बहुत से देशों ने सऊदी अरब के इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। इससे पहले मिस्र के काहिरा शहर में 10,465 फीट लंबी एक इफ्तार टेबल बनाई गई, जिस पर 7,000 लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया था। ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तार टेबल मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी का खिताब आज भी सऊदी अरब के नाम है, जो शायद कभी टूटने वाला भी नहीं। और अगर कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है तो वो है खुद सऊदी अरब। बेशक अरब देश जो करते हैं वो अपने आप में इतिहास बन जाता है, फिर चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन। पिछले एक दशक में सऊदी अरब ने वो कर दिखाया है जो इससे पहले कोई अरब देश नहीं कर पाया। अरब देशों को तो छोड़िए, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो इतने बड़े और विशाल आयोजन को इतने सलीके से अंजाम दे सके। इस पार्टी के बारे में सऊदी अरब का कहना है कि वो नहीं चाहता कि कोई इंसान उसके देश में बगैर रोजा इफ्तारी के मगरिब की नमाज पढ़े। ये सऊदी के लिए शर्म की बात होगी कि कोई व्यक्ति भूख की हालत में अल्लाह के सामने खड़ा हो। कल अगर मैदान हश्र में सवाल हो गया तो हम नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। बेशक अरब देशों में भले ही लाखों बुराइयां हों, लेकिन उनका ये जज्बा कमाल का है। उम्मीद है आने वाले वक्त में अरब देश इस्लाम और मुसलमानों की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। वैसे सऊदी अरब के इस अंदाज ने आपको कितना प्रभावित किया, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये डेफिनेटली देखिए, आप लोगों को महसूस हुआ होगा इस वीडियो के अंदर कितनी बड़ी बात है। और ये जो लास्ट में इन्होंने बोला है कि अगर एक भी इंसान
अल्लाह के सामने खड़ा हुआ भूखा बिना इफ्तार किए तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। सऊदी अरेबिया वाकई में ही मतलब बेस्ट काम कर रहा है, ये इम्पॉसिबल काम है जो पॉसिबल बनाया है सऊदी अरेबिया ने। मतलब 5 लाख लोग एक दिन पे डेली अगर आप पर्पस पे आप देखोगे इफ्तार कराना, करोड़ों रुपए का खर्च आता है। सबसे ज्यादा बात सिर्फ पैसों की नहीं है, पैसे तो चलो ठीक है देश के पास बहुत पैसा है उन्होंने दे दिया, खर्च भी हो गया, लेकिन बात है मैनेजमेंट की। इतने सारे लोगों को खाना खिलाना, उसे मैनेज करना, उसकी साफ सफाई देखना, ये सारी चीजें बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखने को मिल रहा है, कहने को मिल रहा है, सुनने के लिए आसान है, लेकिन आप सोच के देखिए 5 लाख लोग एक ही जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो उनको मतलब कि मैनेज करना कितना बड़ी बात है मैनेज करना। तो ये सब चीजें बहुत प्यारी लगी मुझे इस वीडियो के अंदर, खासकर इफ्तार को लेके, क्योंकि पैसे से अगर आप तुलना करोगे इस चीज की तो ये इसके लिए तोगीन वाली बात हो जाएगी, पैसे से बिल्कुल तुलना नहीं करेगी। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी वीडियो, सऊदी अरेबिया का हैट्स ऑफ है हमारे। मतलब ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और सबसे थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।